गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनसा लड़का। आई नो ये व्लॉग बहुत ज़्यादा दिनों बाद आ रहा है। इसका रीज़न ये है कि मैं जयपुर छोड़ के पुणे शिफ्ट हो चुका हूँ रिसेंटली, तो अब फाइनली एक वीकेंड है जिसमें मुझे टाइम मिला अपना सेटल होने के बाद यहाँ पे। तो अब मैं थोड़ी यहाँ की जो प्लेसेस है वो एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि जा ही रहे हैं तो साथ ही चलते हैं। अभी हम ऑलमोस्ट रेडी हैं, राइडिंग गियर्स पहनने हैं एंड बाइक का कूल स्टार्ट करना है एंड देन निकल जाएंगे। तो जो हमारी डेस्टिनेशन होने वाली है इस व्लॉग में वो होने वाली है लोनावला एंड उसके आसपास की प्लेसेस, एंड ये वो प्लेसेस जो मैंने भी एक्सप्लोर नहीं करी है। एंड ये मॉनसून सीजन अगर आप मेरे को तो देख सकते हो तो पूरा ग्रीन मिलने वाला है वहाँ, तो आपको मतलब सोच ही लो कि इतना ज़्यादा ग्रीन मिलेगा जब हमारे घर से इतना अच्छा व्यू आ रहा है। वी आर एक्सपेक्टिंग अ बेटर व्यू देन दिस क्योंकि ये हम रोज़ देखते हैं, तो अगर इतनी दूर जा रहे हैं तो कुछ अच्छा देखने को ही मिलेगा हमें भी और आपको भी। इसके अलावा जो भी प्लेसेस हैं उसकी डिटेल आपको मिल जाएगी एंड लेट्स जस्ट एंजॉय। ये रहे अपने राइडिंग गेट्स, पहनते हैं ये राइडिंग पैंट जैकेट एंड ग्लव्स एंड शूज हमारे बाहर पड़े हैं, तो सब पहनते रेडी होते हैं। रेडी होने के बाद मिलते हैं आप लोगों से। गाइस हो चुके हैं आप रेडी निकलने के लिए तैयार। प्लीज़ को इग्नोर करना क्योंकि नहाए नहीं है, सोच रहे वहीं जाके नहाएंगे। जैकेट वगैरह जैकेट नहीं जाके रखेंगे। बाइक का कूल स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि पूरी रात से खड़ी हुई थी। एंड आपको बाइक की हालत दिखाता हूँ क्या मस्त हो रही है। ओहो मिट्टी बहुत मिट्टी है, मिट्टी की लेयर्स जम चुकी है, लेकिन चेन को हम रेगुलरली साफ करते रहते हैं एज ऑलवेज। जब तक अपनी बाइक कोल्ड स्टार्ट हो रही है तब तक जो हमारे साथ जा रहे हैं इस ट्रिप पे उनसे इंट्रोड्यूस करा देते हैं। इनको तो जानते ही होंगे हमारे साथ सिक्किम ट्रिप पे गए होंगे। मयूर आपका चाहने वाला आवाज़ नहीं आ रही पर कोई नहीं, इनको आप बिल्कुल नहीं जानते होंगे। ये है हमारे मिस्टर गर्ग, थोड़े शांत एक बार बोल दो आई एम शाय। और इनको आप बिल्कुल नहीं जानते होंगे। ये हमारे हैं फोर्थ पार्टनर मिस्टर मित्तल। मिस्टर मित्तल यानी आयुष मित्तल, तो ये हमारे सारे ऑफिस कॉलेज मिक्स सारे दोस्त हैं। चलते हैं, बाइक भी कूल स्टार्ट हो गई है एंड निकलते हैं, एंजॉय करते हैं फुल एकदम। निकलने से पहले आपको एक और अपडेट दे देता हूँ, हमने हमारे मिरर्स और विंडशील्ड इसलिए हटा रखी है क्योंकि अभी हमने मूवर्स एंड पैकर से मूव कराया था, तो इसके पीछे रीज़न ये है। बाकी आप जानते हो कि बिना मिरर्स के बाइक नहीं चलानी चाहिए, मैं नहीं चलाता हूँ एंड मैं प्रमोट भी नहीं करता हूँ फॉर ऑफ कोर्स, तो बस इसलिए बता रहा था क्योंकि लोग देखेंगे आप तो बिना मिरर्स इन सब के लिए चला रहे हो। तो थोड़ी छोटी सी राइड है, यहाँ से मैक्सिमम 55-60 किलोमीटर है, तो इतने किलोमीटर में मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट मेरे को टाइम नहीं मिला लगाने का ऑफ़ कोर्स, तो इसलिए नहीं है, वरना अगली बार जाएंगे तो पक्का लगा के जाएंगे, विंडशील्ड भी एंड मिरर्स भी ऑफ कोर्स। पहला ब्रेक मैकडोनल्ड्स में लोनावला, तो टोपी लगाई सबसे पहले क्योंकि आप जानते हो हेलमेट में बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वाइल राइडिंग। सबकी शक्ल उतरी भी हो गई क्योंकि आज इतने दिनों से बारिश हो रही थी, जब घूमने निकले तभी बारिश नहीं है, तो हंस रहा है कोई बात नहीं है, पर बहुत ज़्यादा गर्मी बहुत दुख छुपा है। हमारे साथ एक स्कूटी भी है, तो स्कूटी क्या है ना वो स्पीड नहीं आती है जैसा बाइक में आता ना, तो थोड़ा सा टाइम लगा हमको आने में, बट आ गए हैं आराम से सब एकदम। सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो आप देखो यारा बर्गर बना रहा है, ये अपना बर्गर बना रहा है, फ्राइज खा रहा है और मैं भी मेरा बर्गर बना रहा हूँ। गाइज वी हैव रीच्ड आवर फर्स्ट लोकेशन, गॉगल वगल लगा ले, स्मार्ट हो गए हैं सभी, स्मार्ट हो गए हैं, एंड ये रही हमारी व्यू। यहाँ कोई प्रोजेक्ट चल रहा है टाटा पावर का, कोई डैम प्रोजेक्ट भी है, तो आगे से एंट्री नहीं है, बिल्कुल पास नहीं जा सकते हैं, लेकिन जितना व्यू है यही है एंड वो पूरे माउंटेन्स ऊपर
सारे वाटरफॉल्स के पॉइंट है, लेकिन अभी बारिश नहीं है इतनी ज़्यादा, तो वहाँ आपको कोई वाटरफॉल नहीं मिल रहा है इस टाइम देखने को। अभी तक हमें कोई होटल नहीं मिला है, तो पहले होटल ढूंढेंगे, फिर बाकी की जगह एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे एक दो वैली हैं, एमबी वैली, कुंडालिका वैली, आई थिंक यही नाम है, सही होगा, तो ये एक्सप्लोर करेंगे। आज करेंगे, कल करेंगे, ये नहीं पता है, लेकिन अभी पहले होटल ढूंढना है, रहने का ठिकाना करना है, सामान वाना पटकेंगे एंड अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। बारिश शुरू हो गई है एंड फॉग आ गया, अगर आपको दिख रहा है तो पूरा फॉगी फॉगी वेदर हो गया है यहाँ पे। मतलब कैमरे में इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, बट यहाँ एक टाइगर पॉइंट है, वहाँ से हम सोच रहे थे जाके व्यू पॉइंट का मज़ा ले, लेकिन इतना ज़्यादा फॉग है, कुछ भी विजिबल नहीं है, कुछ भी। तो हम सोच रहे हैं ये स्किप करते हैं, सीधा एमबी वैली जाते हैं, क्योंकि वो यहाँ से 10-12 किलोमीटर बची है, वहाँ जाते हैं एंड वो देखते हैं, क्योंकि वहाँ पे माउंटेन से काफ़ी 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 ज़्यादा अच्छा व्यू आता है। अभी तक हमने होटल भी नहीं लिया है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, तो वो मिलेगा तो पहले वो ले लेंगे, नहीं तो एमबी वैली घूम के फिर हम होटल ले लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, आराम से करेंगे सब। एमबी वैली सिटी आए थे और हमारा कट चुका है, किसी ने सजेस्ट करी थी जगह, तो यहाँ कुछ नहीं है, केवल एक सिटी है, इन्होंने अपना एयरपोर्ट भी बना रखा है, बोर्डिंग स्कूल सब है, एंड पर पर्सन पर नाइट चार्ज है 11,000 समथिंग, तो आउट ऑफ बजट हो जाएगा, समझ रहे हो ना, इतना पैसा भी नहीं है, यूट्यूब भी पैसे नहीं दे रहा है, तो हम यहाँ नहीं करेंगे, अब हम लोनावला जाएंगे, लोनावला में ही स्टे करेंगे, एंड बाकी चीज़ें आज एक्सप्लोर करने का टाइम नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली कल ही हो पाएगी अच्छे से। मेरे बहुत दोस्तों ने कहा था कि पुणे जाए तो मानसून में ही जाना, तो मैं बोला क्यों, वो इसीलिए, देख रहे हो पूरा ग्रीन, मतलब ये ग्रीन इतना ग्रीन है, हमारे जयपुर में इतने ग्रीन मैंने घास कभी देखी नहीं है, पेड़ देखे नहीं है, ऐसा लग रहा है कि ग्रीन पेंट क्या हुआ पूरी जगह, फिर वो हर जगह रुक के दिखा नहीं सकता, लेकिन है मज़ेदार है, बहुत ग्रीन है, अच्छा। एक तो है ना मेन बात, यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, फॉग है पर इतना ज़्यादा नहीं है, अब हट चुका है, जब हम वहाँ टाइगर पॉइंट और लायंस पॉइंट पहुँचे थे तो वहाँ ज़्यादा था उस टाइम, लेकिन अब नहीं है, तो अब रास्ते में सोच रहे हैं तो वहाँ रुकेंगे या लोनावला जाके वापस आएंगे, अभी कुछ और नहीं है, रुक के अभी फोटो वोटो खिंचवाते हैं। ऐसे पूरा ग्रीन व्यू है, इंसानों को हटाओ, इंसान तो बुरे अच्छे होते हैं, लेकिन वो पहाड़, उन पहाड़ों की बात ही कुछ और है, एंड हमारी बात भी कुछ और है, हमारे साथ एक चोट हो रही है, हमारी जो स्कूटी थी उसका पेट्रोल जो है ख़त्म होने वाला है, एंड हमको अभी 25 किलोमीटर और जाना है, आगे एक पेट्रोल पंप मिला था एम बी वैली सिटी का, उन्होंने बोला दिस इज़ नॉट फॉर पब्लिक यूज़, मे बी वो जो एम बी वैली सिटी के में रहते हैं या कुछ करते हैं उनके लिए, हमारे लिए नहीं है, तो हमारा वहाँ भी कट गया, तो इसका कटा इसका। हम बाइक को इतना लोड करके नहीं चल रहे हैं आज, केवल एक टैंक बैग रखा हुआ है, जो एक बैग है हमने स्कूटी में एडजस्ट कर दिया है, यहाँ बांधते तो बांधने में दिक्कत होती, जब तक सैडल बैग नहीं आते तब तक ऐसी स्कूटी से काम कर लेते हैं दोस्त की, वरना सैडल बैग होते तो हमको दिक्कत ही नहीं पड़ती। गाइज होटल में आने के सबसे पहले हम आए हैं पूल पे, बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टेंट एंड ही इज लुकिंग स्मार्ट। गाइज पूल में नहाने के बाद एक बार और शावर लिया, उसके बाद अब आए हैं कुछ खाने। कौन सी जगह है? मैप्रो। मैप्रो करके एक जगह है, तो वहाँ की स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम कुछ फेमस है, तो वो खाएंगे, एंड भूख भी लग रही है। स्ट्रॉबेरी तो कैमरे में बोलना, शर्मा कर रहा है, तो भी खाएंगे उसको, और पिज़्ज़ा भी मंगाया, सैंडविचेस मंगाए हैं, तो सारी चीज़ टेस्ट करेंगे एंड रिव्यू देंगे, अगर आप आओ लोनावला तो क्या ट्राई कर सकते हो या नहीं, तो
अभी ट्राई करते हैं, फिर देते हैं आपको रिव्यू घर जाते जाते रास्ते में बात करते हुए। ये हमारा है पिज्ज़ा, कौन सा पिज्ज़ा है? वेज डिलाइट है, एंड जो ये सॉस है ये मैप्रो इन्हीं कंपनी का है। आप रुक जाइए थोड़ा, अर्णव जी आ रहे हैं। ये लाए हैं सैंडविच, बहुत सारे सैंडविच आ गए हैं। ये है कौन से सैंडविच? क्लासिक सैंडविच यहाँ के मैप्रो के। एंड फाइनल रह गए स्ट्रॉबेरी क्रीम। गाइस ये आ गई हमारी फाइनल चीज़ स्ट्रॉबेरी क्रीम। देखने बहुत भारी लग रही लेकिन इतनी लाइट वेट है कि क्या बताऊँ। बहुत खाते हैं, टेस्ट करते हैं कैसी है। गाइस देखो ये थीम बना रखी है, ये स्ट्रॉबेरी की थीम है इनकी कुछ। यहाँ पे स्ट्रॉबेरी का वॉशरूम है, पता नहीं क्या है, एंड वहाँ पे भी स्ट्रॉबेरी का कुछ है। तो मतलब इनकी स्ट्रॉबेरी की थीम है यहाँ पे मैप्रो करके, एंड वहाँ वॉशरूम पे भी इन्होंने स्ट्रॉबेरीज बना रखी है। स्ट्रॉबेरी एंड स्ट्रॉबेरीज एंड स्ट्रॉबेरीज एवरीवेयर, एंड वी आर ऑल्सो हेयर। खुद के प्रोडक्ट्स बना दिया ना बेसिकली, खुद के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। थोड़ा और इनके बारे में जानकारी देंगे आप। खुद के प्रोडक्ट्स बना दिया, ये दो बार बोल दिया आपने, दो बार बोल दिया। सॉसेस वगैरह होती हैं वो भी मैप्रो की थी। एनीथिंग एल्स? स्क्वैशेस वगैरह होते हैं ना, जैसे सिरप्स वगैरह होते हैं, वो सब ये लोग खुद बनाते हैं अपना। और प्रोडक्ट वगैरह जैसे पिज्ज़ा हो गया तो बेसिस वगैरह सब खुद बनाते हैं, चीज़ वगैरह सब खुद बनाते हैं। बाकी अर्णव बताएंगे। सिरप सिरप थोड़ी होता है, सिरप होता है, सिरप मिलेगा यहाँ। मंचला मेरे को सही किया यहाँ पर, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। आई एम ग्रेटफुल में बहुत बार सुधा रहा है। हमने पूरा साथ दिया है भाई का, बिल्कुल। हमने आप पर इनकी स्पेशल स्ट्रॉबेरी क्रीम खाई, बहुत अच्छा लगा। मेरी नहीं, मैप्रो वालों की। सो गाइज ये था हमारा डे वन, एंड आई होप आपको मज़ा आया होगा। मैंने ये व्लॉग थोड़ा रॉ भी रखा है, एंड बाकी की चीज़ें करेंगे हम कल एक्सप्लोर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड बाय।